साइबर सिटी गुरुग्राम में लुटेरों के हौसले बुलंद हैं और पुलिस पस्त होती दिखाई दे रही है। जी हां, दो हथियारबंद बदमाशों ने बादशाहपुर कस्बे में मिठाई की दुकान को निशाना बनाया और लूटपाट कर बड़ी आसानी से ये बदमाश फरार हो गए। हालांकि हैरान करने वाली बात तो ये है कि जिस जगह ये वारदात हुई उस जगह से मात्र 50 कदमों की दूरी पर पुलिस थाना है और बावजूद इसके पुलिस हाथ मलती रह गई। बदमाशों ने काउंटर पर बैठे शॉप मालिक को हथियार दिखाकर कैश काउंटर से करीब 1,00,000 रुपए लिए और मौके से फरार हो गए। वहीं पुलिस ने आरोपियों की हालांकि धरपकड़ शुरू कर दी है। गुरुग्राम में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं और ऐसे ही मिठाई की दुकान को बदमाशों के द्वारा निशाना बनाया गया। कैश काउंटर पर बैठे मालिक को गन पॉइंट की नोक पर लेकर उससे रुपए वसूले गए और इस दौरान बदमाश रुपए लूटकर मौके से फरार हो गए। हालांकि पुलिस ने आरोपियों की धरपकड़ की जांच शुरू कर दी है। कुछ नहीं भाई, मैं सेठ जी के साथ खड़ा होकर बातें कर रहा था, ऐसे ही बात चल रही थी। सेठ जी कहने लगे भाई पवन कैमरे खराब हैं दुकान के और कोई कैमरे वाला जानकार है तो बुला दे। मैंने कहा जी ठीक है, सुबह बुला देता हूँ। मैंने फिर उसी टाइम पे कॉल करी उसको, उसने कॉल नहीं उठाई। बस इतनी देर में मैं यहाँ खड़ा था, इतनी देर में देख रहा हूँ बाहर गोलियाँ चली और वो आते ही लाओ पैसे निकालो करते हुए आए और सीधे काउंटर पे आ गए, गले में से पैसे निकाले और फरार हो गए। नहीं, दो लड़के उस पर स्कूटी पे आए और बाहर से गोलियाँ चलाते हुए आए अंदर तक और सीधा आके कैश लूट लिए। तो यहाँ पे आकर मारपीट भी की उन्होंने? नहीं, रिवाल्वर दिखाई हमारे साइड में, इससे हम नीचे काउंटर की तरफ झुक गए और वो कैश लूट कर।